स्टूडेंट्स, मैसेल्फ सनी सिंह, श्री हिस्ट्री फैकल्टी फ्रॉम श्री गुरु नानक विद्यालय ग्रेडी। मेरा नाम सनी और आज कक्षा 9 क्लास 9 के हिस्ट्री का पहला चैप्टर विच इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इन हिंदी वी कॉल इट फ्रांसीसी क्रांति, हिंदी में इसे फ्रांसीसी क्रांति के नाम से भी हम जानते हैं। दैट्स वी आर गोइंग टू रीड टुडे। आज हम लोग को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर, इससे पहले कि ये चैप्टर को मैं स्टार्ट करूँ, लेट मी टेल यू समथिंग। वो चीज़ें हैं विच आई जनरली टेल माई स्टूडेंट्स, दैट्स आई एम गोना टेल यू ऑल्सो। कुछ चीज़ें जो मैं अक्सर अपने बच्चों से भी कहता हूँ, वो आपसे भी कह रहा हूँ। दैट सी, बचपन में ना बहुत सारी स्टोरीज होती थी जो हम सुना करते थे ना, दादा दादी नाना नानी ये सब सुनाया करते थे। फिर जब आप 1-2 क्लासेस में भी थे ना, तो वहाँ पर बहुत सारी मॉरल स्टोरीज आपने पढ़ी होंगी। सो मेरी मॉरल स्टोरीज भी बैठते रहो सब। ओके फाइन, अब क्या होगा ना कि सपोज आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल ऑफ सम स्टोरीज फ्रॉम दैट, है ना। उनमें से कुछ स्टोरीज का आपको वो थोड़ा रिमाइंड कर देता हूँ। आपको याद होगा बहुत सारे कबूतर एक जगह होते हैं, एक शिकारी आता है, वो जाल फेंकता है, सारे कबूतर उसमें फंस जाते हैं, फिर किसी तरह से वो जान बचा के निकलते हैं। होप यू रिमेंबर, शायद याद होगा। फिर वो एक हमने पढ़ा था ना कुछ पोएम टाइप का, कि एक कौवा प्यासा था, है ना, वो उड़ रहा था, फिर उसे घड़े में थोड़ा सा पानी दिखा, फिर उसने पानी पिया किसी तरह, वो पी के वो चला गया था ना। इसी तरीके से एक किसान अपने एक बेटे को देता है एक लकड़ी तोड़ने, वो तोड़ देता है, फिर दूसरे को देता है, वो भी एक लकड़ी तोड़ देता है, मगर जब वो गट्ठर बांध के देता है तो फिर वो नहीं तोड़ पाता। ओके, समथिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू, कुछ चीज़ें हैं तो पूछता हूँ आपसे। वो कौवा जो था ना, जो उड़ रहा था, जो बहुत जिसे बहुत प्यास लगी हुई थी, पानी उसने पिया कैसे, बता सकते? आई थिंक यू नो द आंसर, है ना। वो अगल बगल में थोड़े कंकड़ थे ना, उसने उठा करके उसमें डालना शुरू करा, पानी पी के वो चला गया। ओके फाइन, अभी आप मुझे बताइए कि वो जो कबूतर जिसके ऊपर जाल फेंका था शिकारी ने, उन्होंने अपनी जान कैसे बचाई? तो सब ने डिसाइड करा कि एक स्ट्रेंथ लगाते हैं, है ना। वो भी रिमेंबर द आंसर, सब ने स्ट्रेंथ लगाया और वो जाल को ही लेकर के उड़ गए थे, याद। अच्छा, व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस, मैं क्यों बोल रहा हूँ आपसे ये चीज, इसको पहले समझिएगा ना। व्हेन यू अंडरस्टैंड समथिंग, जब आप किसी चीज को समझते हैं, है ना, व्हेन यू अंडरस्टैंड समथिंग इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी ऑल्सो, जब आप किसी चीज को एक कहानी के फॉर्म में याद करते हैं या समझते हैं, तो क्या होगा ना, वो आपके ब्रेन में फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए वो बना हुआ रहता है, वो इन्फ्यूज रहता है पूरे तरीके से। अब एक सबसे जैसे हम लोग होता है कुछ, इसको एक वर्ड हम लोग ना यूज करते हैं, रट्टू होता है ना। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर जो एक क्वेश्चन आंसर लिख लिया और उसे रटेगा रहे, दैट इज नॉट द थिंग, दैट इज नॉट द वे टू रीड, है ना। वो तरीका नहीं होता है। कोई भी एक स्टोरी हो, कोई भी, जैसे ना हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं, देयर ऑल्सो सम स्टोरीज आर देयर, वहाँ भी कुछ स्टोरीज होती है, फिर हिस्ट्री में भी, सिविक्स में भी। तो ये इंसिडेंट्स जो हिस्ट्रीज में आप पढ़ते हैं और सिविक्स में जो पढ़ते हैं आप, है ना, तो वो सारी चीज़ों को अगर आप एक इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी, एक स्टोरी के फॉर्म में अगर आपके ब्रेन में इंफ्यूज करें, तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू, बहुत मदद करेगा आपको। आप रटना छोड़ दीजिए, आप सिर्फ कहानी को समझिए, या फिर वो इंसिडेंट्स को समझिए, वो जो इंसिडेंट्स हुई, जो वॉर हुई या जो भी कुछ था, उसे बस एक सीक्वेंस में माइंड में इंफ्यूज करिए। ऑल द क्वेश्चंस विल बी क्लियर, जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में, एंड इवन वो डेप्थ के क्वेश्चंस जो भी होंगे ना, वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। वन मोर थिंग आई लाइक टू टेल यू, व्हाट इज रिटन इन द बोर्ड, डोंट पे अटेंशन देयर, व्हाट आई एम टेलिंग यू, बोर्ड में क्या लिखा ना मतलब नहीं, मैं जो कह रहा हूँ ना, बस खाली उसे मन में, माइंड में इंफ्यूज कीजिएगा। कुछ एक जगह मैं आपको बोलूंगा नोट डाउन करने, तो उसे आप नोट डाउन कर लेना फटाफट, है ना। ओके, लेट अस स्टार्ट द चैप्टर, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। ये है क्या, 14 जुलाई 1789, ये 14 जुलाई 1789 का बात है, है ना, उस समय की बात है 1789। अचानक से होता क्या है कि पेरिस एक शहर, पेरिस के चारों तरफ से, है ना, सेना पेरिस के अंदर की ओर आने लगती है, सेना जिसके हाथों में हथियार और नंबर ऑफ ट्रूप्स, है ना, ट्रूप्स वो सेना की टुकड़ी, वो पेरिस के अंदर घुस रहे होते हैं, पेरिस शहर के अंदर जा रहे होते हैं। अब जैसे ही वो अंदर जा रहे होते ना, तो वहाँ के अंदर में जो लोग थे, जो लोग पेरिस में रह रहे थे, उन्हें पता चलता है कि वो सेना आ रही है, तो वो डर जाते हैं। तो फिर उन्होंने क्या करा, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे तकरीबन 7 से 8 हज़ार लोग इकट्ठा होते हैं। अब वहाँ पर वो लोग जमा होकर के सोचते हैं, हमें तो डिफेंड करना पड़ेगा, हमें तो बचना पड़ेगा, जो सेना आ रही है, अगर उन्हें हम पे हमला करा तो हमें तो डिफेंड करना पड़ेगा। तो दे वॉन्टेड आर्म्स, उन्हें हथियार चाहिए था,
तो हाउ कुड दे अरेंज आर्म्स, कहां से आप हथियार अरेंज करते हो? तो वहां पे जो अगल बगल में जो बैस्टल्स हुआ करते थे, बैस्टल मतलब किला है ना, वो किला जहाँ पे कैदियों को और ये सबको रखा जाता था, तो जो बैस्टल थे, उसके बाद कुछ सरकारी दफ्तर कर्मचारी दफ्तर हुआ करते थे कुछ सरकारी कर्मचारियों के साथ, तो उन्हें ऐसा लगा कि वहां पे हथियार मिलेगा, ठीक है, एंड दे बिगिन टू लूटे, अब उन्होंने शुरू कर दिया लूटना। और इसी चक्कर में जब दफ्तरों में और गोदामों में उन्होंने हमला करा तो वहां उन्हें कुछ मिला नहीं। फाइनली होया क्या कि जब वो बेस्टाइल के तरफ मुड़े, उन्होंने बेस्टाइल को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया, ठीक है। बेस्टाइल वो किला वो किला जहाँ पे बंदियों को रखा जाता था ना, तो बेस्टाइल को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया। तो इस डेट को 14 जुलाई 1789 इसे हम फॉल ऑफ बेस्टाइल, ठीक है, जो बेस्टाइल का विध्वंस मतलब उसे जो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, उस इंसिडेंट के नाम से या उस इंसिडेंट से इस डेट को जोड़ करके रखते हैं ना, ये डेट उस इंसिडेंट से जुड़ा हुआ है। तो 14 जुलाई 1789 को पेरिस में सेना की टुकड़ी जब अंदर आने लगी, लोग एक जगह इकट्ठा हुए और उन्होंने हथियार के तलाश में है ना बेस्टाइल का किला ही पूरे तरीके से धसा दिया और वो पूरे तरीके से उसको डिस्ट्रॉय किया, वहां से उन्होंने हथियार भी लूटे। अब इस चक्कर में क्या हुआ, कुछ कैदी जो अंदर बंद थे वो लोग भी उस मौके का फायदा निकाल करके वहां से निकल गए। अब ये जो पूरा इंसिडेंट था जो मैंने अभी आपको बताया, ये एक्चुअल में हुआ क्यों इसके, है ना, तो ये हुआ क्यों, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, रीजन एक्चुअली में क्या था, वी विल डिस्कस लेटर ऑन, हम लोग इसके बाद इसका डिस्कशन बाद में करेंगे। ओके, लेट अस सी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, आपको याद होगा बहुत पुराने समय की बात है, हमारा जो देश है ना इंडिया, इट वॉज ऑल्सो डिवाइडेड, वी इंडियन पीपल वे डिवाइडेड इंटू फोर कैटेगरीज, हम लोग जो है ना, हमारा जो समाज था इंडिया का वो चार भागों में विभाजित था, है ना, एक को हम लोग कहते थे शूद्रास वैश्यास, है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय, तो जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊंचे हुआ करते थे, है ना, ब्राह्मण कम्युनिटी जो होता है उसको बहुत ऊंचा कंसिडर किया जाता था। फिर उसी तरीके से क्षत्रिय आते थे जो योद्धा होते थे, है ना, वैश्यास होते थे जो व्यापार किया करते थे, और शूद्रास जो होते थे वो फाइनली बहुत थोड़े लोअर कैटेगरी के जो होते थे लोग। तो हमारा जो समाज था वो फोर कैटेगरी में डिवाइडेड था। ठीक उसी तरीके से ये जो फ्रांस का समाज था ना, ये बेसिकली तीन हिस्सों में डिवाइडेड था, ठीक है। अब वो तीन हिस्से क्या थे, कैसा था, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले आपको बताऊं कि 18th सेंचुरी के दौरान हुआ क्या। एक शख्स जिसका नाम लुई 16 हुआ करता था, शख्स पर्सन नेम्स लुई 16, बर्बन डिनेस्टी, जैसे भारत में भी बहुत सारे डिनेस्टीज थे, वंश हुआ करते थे ना, आपको याद होगा मौर्य वंश, मौर्य डिनेस्टी एंड सो ऑन, तो उसी तरीके से फ्रांस के अंदर में बर्बन डिनेस्टी चलता था, यूरोप के अंदर में, उसी बर्बन डिनेस्टी से आता था एक शख्स जिसका नाम था लुईस 16, ठीक है, लुईस 16। तो ये जो लुईस 16 था, ये 20 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 20, ठीक है, वो सत्ता पे आकर के बैठ गया, है ना, लुईस 16 20 साल की उम्र में फ्रांस की गद्दी पे आकर के बैठा और उसने फ्रांस का पूरा कार्यभार संभाला, ठीक है। कुछ समय के बाद उसने फिर एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ऑस्ट्रिया की जो प्रिंसेस राजकुमारी होती थी उससे शादी भी करी। तो ये जो लुई 16 था, लुई 16 जिसने फ्रांस के अंदर में सत्ता को संभाला था, फ्रांस की सत्ता को अपने हाथ में लिया था, जब भी वो सत्ता में आया, व्हेन ही केम टू द पावर इन फ्रांस, तो उसने अचानक से क्या देखा कि ट्रेजरी जो था, खजाना, जो खजाना हुआ करता था, वो पूरा का पूरा एम्प्टी मतलब खाली था। जिस समय वो सत्ता में बैठा तो फ्रांस का खजाना पूरी तरीके से खाली था, ठीक है। जैसे हमें पता है ना कि सरकार के पास जो फंड होता है वो फंड को फिर वो इन्वेस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे, मतलब रोड बनाना, डैम्स बनाना, लोगों के वेलफेयर के लिए, उसके बाद फार्मर्स को बहुत तरह की सब्सिडीज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो फंड यूज होता है। उसके बाद देश को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए हथियार चाहिए, तो हथियार को खरीदना है ना। तो उसी तरीके से जब ये ट्रेजरी जब वो पहुंचा वहां पे, वो सत्ता में बैठा, उसने क्या पाया कि वो खजाना खाली था। अब अगर खजाना खाली था तो फिर वो जो सरकारी कर्मचारी थे उसको तनख्वाह कैसे देता। उसके बाद उस समय जो राजा महाराजा लोग हुआ करते थे ना फ्रांस की गद्दी पे, उनके साथ एक प्रॉब्लम क्या हुआ करती थी ना, ऐशो आराम के पीछे बहुत पैसा उड़ाते थे वो अपना,
तो अब वो खजाना खाली था, तो फिर वो ऐश और आराम वो मेंटेन कहाँ से करते, ठीक है। उसी तरीके से अगर उन्हें हथियार गोला बारूद खरीदना होता तो कैसे खरीदते, अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्शन में फ्रॉड करना होता तो कैसे करते वो। तो ये सारी इश्यूज जो है, ये सारी प्रॉब्लम वो लुई 16 के सामने भी थी, खजाना तो खाली था। अब सवाल है ना कि ये जो खजाना खाली था, ये था क्यों खाली, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे मैंने लिखा है युद्ध है ना, तो फ्रांस के साथ एक इशू क्या था ना, फ्रांस फाउट सो मेनी वॉर्स है ना ड्यूरिंग 17th-18th सेंचुरीज। फ्रांस ने ना कई युद्ध लड़े थे, बहुत सारे युद्ध लड़े थे। कई बार होता था युद्ध लड़ने के लिए ना वो अड़ोस पड़ोस के देशों से कर्ज भी ले लिया करते थे। 13 colonies 13 उपनिवेश, मतलब आप ऐसे सिंपल वर्ड में समझिए 13 अलग अलग ऐसी जगहें थी जो अमेरिका की हुआ करती थी, मगर उस पर ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था, ठीक है। तो फ्रांस ने अमेरिका को मदद करा, तो फ्रांस अमेरिका के साथ मिलकर के ब्रिटेन से वो 13 colonies 13 जो उपनिवेश थे उसके, उसको छुड़वाया। तो छुड़वाया कैसे उसने, तो फाइनली एक वॉर बिगिन, वो वॉर करा, उसके बाद फिर फाइनली वो छूटा। अब जब छूटा तो उस वॉर के लिए भी, उस वो बियर करने के लिए भी ना फ्रांस ने बहुत सारे कर्ज ले रखे थे। फाइनली क्या हुआ, इस तरह से करके फ्रांस के ऊपर में 10 अरब लिब्रे का कर्ज आ गया। नोट डाउन, 10 अरब लिब्रे। आपके लिब्रे क्या है, आप देखेंगे मैंने यहां पे लिखा हुआ है फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो ये उस टाइम चलने वाली वो करेंसी हुआ करती थी है ना, जिसे लिब्रे कहा जाता था। तो 10 अरब फ्रांसीसी रुपया आप ऐसे समझिए ना, तो 10 अरब लिब्रे, लिब्रे एक फ्रांसीसी करेंसी थी जिसे बाद में खत्म कर दिया गया है ना, 1794 में उसे फिर बंद कर दिया गया। तो फ्रांस के ऊपर में 10 अरब लिब्रे का कर्ज आ गया। चलिए अभी इसे नहीं रोकते, एक बार छोटा सा रिकॉल देखिए, लुई 16 सत्ता में आया, बर्बन डायनेस्टी का था, वो 20 साल की उम्र में सत्ता में बैठा, जैसे बैठा उसने देखा खजाना खाली है, खजाना खाली था क्यों, बिकॉज सो मेनी वॉर्स फाउट ना ही बिफोर पीपल बिफोर है ना, जो लोग पहले भी हुआ करते थे वो भी, तो उन्होंने भी युद्ध लड़े थे जिससे कि फ्रांस के ऊपर में एक के बाद एक बहुत सारा बहुत कर्ज लगता चला गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि फ्रांस का जो समाज था, जैसे मैंने आपको इंडिया का भी एग्जांपल दिया था, उसी तरीके से फ्रांस का भी जो समाज था ना वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड था। पहले स्टेट को हम लोग कहते थे फर्स्ट स्टेट, दूसरे को कहते थे सेकेंड स्टेट, और तीसरे को कहते थे थर्ड स्टेट। तो फ्रांस का जो ये समाज था ये 3 हिस्सों में बटा होता था। अब ये 3 हिस्सों में कौन कौन लोग आते थे, पहला हिस्सा होता था जिसे हम लोग फर्स्ट स्टेट कहते थे, और ये होता था पादरी, जिसे क्लर्गी इंग्लिश में कहते हैं हम लोग। तो फर्स्ट स्टेट में वो लोग आते थे जो पादरी और पादरी होते थे, इन इंग्लिश वी कॉल इट क्लर्गी। दूसरे में कुलीन तबका के लोग होते थे है ना, जिसे इंग्लिश में नोबल कहा जाता था। एंड थर्ड, तीसरे में व्यवसायी, किसान, कारीगर, कुछ वकील, भूमिहीन किसान जिनके पास भूमि नहीं हुआ करती थी, और कुछ वैसे भी किसान जिनके पास भूमि होती थी। तो ये सारे लोग थर्ड कैटेगरी में आते थे, यानी कि थर्ड स्टेट में आते थे। तो इस तरीके से फ्रांस का समाज जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। नाउ लेट मी टेल यू, अब आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट होता था ना, यानी कि पादरी और कुलीन, तो ये जो दो तबका होता था, ये फ्रांस की सत्ता में बैठने वाला जो राजा होता था ना उसके बहुत करीब होता था, और राजा इन दो कैटेगरी मतलब फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों को ना बहुत मानता था, ठीक है, बहुत मानता था। क्यों मानता था, आगे क्लियर होगा, आगे मैं बताऊंगा। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के जो लोग होते थे ना, ये किंग के बहुत करीब होते थे, ठीक है, और किंग इनको, किंग ने, राजा ने इन लोगों को बहुत तरह की रियायतें दे रखी थी, सो मेनी बहुत तरह की छूट और है ना वो सारी चीजें मिली हुई थी। अभी जैसे उनमें से आपको मैं कुछ बता दूं, जैसे कि इन लोगों को एक एडवांटेज मिला हुआ था, राइट, सॉरी, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। कोई एक बच्चा अगर पादरी के घर पे या कुलीन के घर पे अगर जन्म ले लेता था तो उनको सिर्फ इसलिए बहुत सारी रियायतें मिल जाती थी क्योंकि उस बच्चे ने उनके घर में जन्म लिया, तो बहुत तरह की छूट मिलती थी। दूसरा क्या था कि फ्रांस जो था, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ है ना, सब अराउंड 1789 और 1790 की बात कर, तो फ्रांस जो था उससे पहले से भी, फ्रांस जो था वहाँ पे एक्चुअली में क्या चलता था कि जो पैसे खजाने में आते थे,
फॉर एग्जाम्पल आज भारत सरकार के खजाने में जो भारत सरकार पैसा हम लोगों के पीछे खर्च करती है या रोडवेज बनाने में, डैम्स बनाने में या और भी चीजों, तो वो पैसा उनके पास पहुंचता कैसे? ऑब्वियसली वी पे टैक्स, हम लोग टैक्स पे करते हैं ना। टैक्स जाता कहाँ से भारत सरकार के पास? ऑल दोज पीपल, वो सारे लोग जिनका इनकम मोर देन 5 और समथिंग लाख है ना, तो 10, 20 और 30% के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और वो टैक्स गवर्नमेंट के खाते में जाता है, जिससे बाद में वो लोगों के गवर्नमेंट के खजाने में जाता है, जो कि बाद में वो लोगों को फिर मतलब री इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में लोगों को देती है, ठीक है, एडवांटेजेस के फॉर्म में। तो कौन पे कर रहा है टैक्स यहाँ पे इंडिया में, थोड़ा सा अज्यूम करिएगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो 5 लाख रुपए से ऊपर या जो भी क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने फिक्स करा, 5 लाख रुपए से ऊपर अगर वो कमा रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का, उसे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन फ्रांस के अंदर में एक किस्सा क्या था ना, कि जो व्यक्ति सिर्फ थर्ड कैटेगरी से बिलोंग करता था, यानी कि थर्ड स्टेट से, टैक्स सिर्फ उसी को देना होता था, ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वालों को टैक्स नहीं देना होता था, इन्हें बिल्कुल छूट था, ये कुछ भी करे, कितनी भी अर्निंग कर ले, दे विल हैव टू पे टैक्सेस, इन्हें टैक्सेस पे नहीं करना होता था। देन हु विल पे टैक्स? द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट ओनली। कौन पे करता था टैक्स? तो जो थर्ड स्टेट के लोग हुआ करते थे, बस वही पे करते थे टैक्स। तो अब समझिए कि एक तो ऐसे भी ये व्यवसायी तबका है ना, व्यापार करके कमाता था, रोजी रोटी चलाता था, कुछ भूमिहीन किसान जिनके पास जमीन तक नहीं होती थी, वो दूसरों के यहाँ जाकर के काम करते थे, तो छोटा मोटा जो अर्निंग कर लेते थे, कुछ किसान जिनके पास भूमि होती थी, कुछ कारीगर, तो ये वो लोग होते थे ना जो रोज कमाने और रोज खाने का हिसाब समझ लीजिए आप, इन लोगों का होता था, उन लोगों को ही हर तरह का टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस। अब ये ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस में से मैं दो चीजों की बात करूंगा, ठीक है, पहले इधर देखिएगा थोड़ा, ये टैक्सेस या हिंदी में इसे हम लोग टाइट कहते हैं ना, तो ये क्या होता था, ये एक प्रकार का धार्मिक कर है ना, इसको रिलीजियस टैक्स कहते थे। तो ये जो रिलीजियस टैक्सेस होते थे, ये भी फार्मर से वसूला जाता था, ठीक है। दूसरा, इन इंग्लिश वी कॉल इट टैली एंड इन हिंदी वी कॉल इट टाई है ना, तो ये जो टाई होता था, राज्य को अदा किया जाने वाला कर, ठीक है, ये राज्य को अदा किया जाने वाला कर, ये बेसिकली उन वस्तुओं पे लगता था जो डेली यूजेस के होते थे। अब आप देखिए मैंने लिखा जैसे नमक और ये तंबाकू जो बेसिकली पीपल पर एडिक्टेड दे रहा है ना, तो ये जो है इन चीजों पे लगता था, तो ये भी इन्हीं से वसूला जाता था थर्ड स्टेट के लोगों से। और भी बहुत तरह के टैक्सेस होते थे जो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों से वसूला जाता था, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वाले को बिल्कुल छूट थी। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग जो होते थे ना, ये जो सत्ता में बैठने वाला होता था उसके बहुत करीब होते थे, ठीक है, तो इनको बहुत तरह की ऐशोआराम और बहुत तरह की सहूलियतें मिली थी जो कि थर्ड स्टेट को नहीं थी, ठीक है। ओके, लेट अस मूव अहेड, अभी इसे यहीं पर रोकते हैं, फिर आगे चलेंगे। एक्चुअली होगा क्या ना, अभी पार्ट वाइज बता रहा हूं, फिर आगे जाएंगे तो सब एक साथ कोरिलेट हो जाए, जुड़ जाएगा सारा का सारा। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीने का संघर्ष, ठीक है। अब क्या, सत्ता में बैठा लेवल 16, सत्ता जब बैठा तो फिर खजाना खाली, ठीक है, ऊपर से सारा जो टैक्सेशन का बर्डन हुआ करता था, जो टैक्स पे करना होता था, वो थर्ड स्टेट वाले को करना होता था। अब क्या, 1715 के आसपास की बात है, जब फ्रांस की आबादी 2.3 मिलियन हुआ करती थी, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख है ना, तो 2.3 मिलियन हुआ करती थी, सो तकरीबन तो ये आबादी तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख के आसपास हुआ करती थी फ्रांस के अंदर में लोगों को। कुछ समय के बाद अराउंड 1789 1789 आते आते ये आबादी बढ़ के तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख हो गई। तो एक आबादी 1715 में 2 करोड़ 30 लाख थी और फिर बढ़कर के 2 करोड़ 80 लाख के आसपास ये आबादी पहुंची। अब एक कॉमन सेंस वाली चीज है ना, कि घर में अगर एक फैमिली में 2 मेंबर है, ठीक है, तो 1 किलो आटा लेकर के आए तो 4 दिन चल गया। अब ये 2 मेंबर अगर डबल हो गए, मतलब घर में 4 मेंबर आ गए, तो फिर वो आटा जो 2 दिन चलता था वो 1 दिन चलेगा। अब कल को ये अगर 8 मेंबर हो गए घर में, 4 और मेंबर बढ़ गए, तो इस तरह से क्या हो रहा है, जो फूड ग्रेन्स था वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, डिमांड बढ़ता जा रहा है। वही चीज हुआ कि जब ये पॉपुलेशन राइज हुआ ना, जब फ्रांस के अंदर में आबादी अचानक से बढ़ने लग गई, तो क्या होने लगा, डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स रहो है ना, फूड ग्रेन्स का जो डिमांड था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब समझिए, कुछ लोग ऐसे होते थे उस समय जो वर्कर्स जो फैक्ट्रीज में काम करते थे, ठीक है, वो वर्कर्स जो फैक्ट्रीज में काम करते थे ना,
तो यहाँ क्या हो रहा था कि डिमांड जो है हर चीज का बढ़ते जा रहा था, तो जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रहा था ना, सप्लाई उतनी नहीं हो रही थी। तो जब डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो तो ऑब्वियस सा बात है कि रेट उस चीज का बढ़ जाएगा, है ना। पीपल वॉन्ट, लोग चाह रहे बट दे आर नॉट गेटिंग, उन्हें मिल नहीं रहा, तो डेफिनेटली द प्राइस विल गो अप, जो अमाउंट है जो रेट है उस चीज का वो बढ़ता चला जाएगा। फाइनली हुआ ही वही कि चीजों की कीमतें जो है वो धीरे 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 आसमान छूने लग गई, पहला चीज। दूसरा चीज, वो तबका जो फैक्ट्री में काम करता था यानी कि मजदूर तबका, अब ये जो मजदूर तबका हुआ करता था तो चीज की कीमतें बढ़ती जा रही थी मगर उनकी तनख्वाह वही की वही थी, ठीक है। व्हाट दे वर गेटिंग, ठीक है, जो उन्हें मिल रहा था वो उसके बाद भी, जब ये रेट बढ़ा उसके बाद भी उन्हें वही मिल रहा था, ठीक है। तो पहले अगर वो 100 रुपए में मान लीजिए 1 किलो चावल खरीद रहे थे, अब चावल की कीमत 150 रुपए हो गई, तो 100 रुपए में तुमसे 1 किलो चावल मिलने से था, ठीक है ना। तो ये चीज जो था कि इनको सैलरीज जो हुआ करती थी, इनकी जो वेजेस हुआ करती थी, मजदूरी जो होती थी, उसमें बढ़ावा इजाफा नहीं हुआ बल्कि महंगाई में इजाफा हो गया। ओके, अब क्या होने लगा, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, अब धीरे धीरे अमीर और गरीब के बीच में ना बहुत ज्यादा फासला होना शुरू हो गया। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि डिमांड तो चीजों का बहुत ज्यादा था, ठीक। अब जो फैक्ट्री और उद्योग के लोग जो थे उस समय, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड थे, जो गुड्स को प्रोड्यूस करते थे, वेदर को हाथों से या जैसे भी, तो जो गुड्स को प्रोड्यूस करते थे, जो ऑनर हुआ करते थे, तो वो ज्यादा से ज्यादा बना के बेचने की कोशिश करते थे, तो प्रॉफिट तो वो कमा रहे थे क्योंकि वो ऊंचे दाम में बेच रहे थे। तो अमीर और अमीर बनता गया क्योंकि वो प्रॉफिट कमाने लग गया था। अब वो पुअर जहां था वो वही रह गया, या फिर उससे वो और नीचे गया क्योंकि महंगाई बढ़ती चली गई ना, तो वो और गरीब होता चला गया। तो इस तरीके से अमीर और गरीब के बीच में एक फासला बढ़ता चला गया, ठीक है। उसी बीच में क्या होता है, फेमिन है ना, एक अकाल पड़ता है फ्रांस के अंदर में, जिसमें कि लोग जो है उनकी स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा सिनेरियोस था जो फ्रांस के अंदर में इस समय में भी चल रहा था। एक ग्रोइंग मिडिल क्लास, ठीक है, उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकार के अंत की कल्पना की। अब ये मध्यम वर्ग कौन होता था, आप समझ जाइए मैं इसकी ही बात कर रहा हूँ, थर्ड स्टेट की, क्योंकि ये वही तबका था जिसमें सारे लोग आते थे। अच्छा, इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते थे ना जो वेल एजुकेटेड होते थे, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते थे, ठीक है। तो ये जो मिडिल क्लास होता था, जब ये उभरना शुरू हुआ है ना, धीरे धीरे जब फॉर्म में आना शुरू हुआ, ये बात है 18th सेंचुरी की, ठीक है। इमर्ज सोशल ग्रुप कॉल्ड मिडिल क्लास, एक सामाजिक तबका जो धीरे धीरे ऊपर की ओर आने लगा, उभरने लगा, जिसे मिडिल क्लास का भी नाम दिया गया था उस समय में। तो ये लोग ना अक्सर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, व्यवसायी व्यापारी भी होते थे, तो ये लोग बेसिकली व्यापार किया करते थे, ट्रेडिंग है ना, सिल्क और वुलन का, ये खरीद बिक्री का काम करते थे और इससे इनकी अर्निंग भी होती थी। कुछ एजुकेटेड क्लास, कुछ जैसे वकील, कुछ फिलोसफर्स जो इस कैटेगरी में आते थे, थर्ड कैटेगरी में, थर्ड स्टेट में, है ना। तो ये जो एजुकेटेड लोग थे ना, इनका मानना था कि फ्रांस में जो एक प्रथा चली आ रही है, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ का मतलब कि अगर आपने किसी ऐसे घर में जन्म ले लिया, ठीक है, जैसे पादरी और कुलीन, नोबेल और क्लर्की, अगर आपने उस घर में जन्म ले लिया तो आपको इसलिए आपको बहुत तरह की रियायतें मिलेंगी, इसलिए आपको बहुत छूट मिलेगी क्योंकि आपका जन्म इस घर में हुआ, ठीक है। तो फाइनली क्या था कि इनका मानना था कि जो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी को किसी तरह का डिस्काउंट देना है या छूट देनी या रियायतें देनी है या फिर उसे किसी उचित ओहदे पर लेकर के जाना या कुछ भी अगर आपको करना है तो उसकी योग्यता को देखे, है ना, टू वॉच द एबिलिटी ऑफ सच गाय, उन लोगों की योग्यता को, मतलब योग्यता को आधार बनाए, है ना, एबिलिटी शुड बी द बेसिस एबिलिटी को जो है वो बेसिस बनाया जाए। तो अगर एबिलिटी बेसिस होगा तभी जाकर के कुछ हो पाएगा। तो इन लोगों ने इसके लिए जो है एक रेवोल्यूशन टाइप का छेड़ना शुरू किया। वो रेवोल्यूशन कैसे आगे बढ़ा, क्या हुआ, वी विल डिस्कस। अब आ जाते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। अब पीछे चलते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको बताया कि 20 साल की उम्र में लुईस 16 नाम का एक शख्स फ्रांस की सत्ता में आके बैठा। जब वो सत्ता में आकर के बैठा तो उसने क्या देखा कि वो खजाना जो था वो पूरी तरीके से खाली था।
तो खजाना तो उसे चाहिए था, ठीक है, पैसे तो उसे चाहिए थे क्योंकि उसे अपने ऐश्वर्य के लिए भी पैसे चाहिए थे, मेंटेनेंस के लिए भी पैसे चाहिए थे, आर्मी नीड को पूरा भी करना था, प्लस जो कर्मचारी उसके अंदर काम करते थे उनको भी तनख्वाहें दी थी, तो पैसे तो उसे चाहिए थे, ठीक है ना, ही वॉन्टेड मनी। तो अब फाइनली क्या हुआ, यही से फ्रेंच रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई। तो लुई 16 जब सत्ता में बैठा तो ट्रेजरी खाली था और ऊपर से फ्रांस के ऊपर में 10 अरब लिब्रे, लिब्रे मतलब करेंसी, फ्रांसीसी करेंसी, तो जो 10 अरब लिब्रे का कर्ज बना हुआ था उसको उतारना, और ये सब चीजों के लिए शुरुआत क्या, कहां से क्या हुआ, 16 कॉल्ड मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। देखिए फ्रांस में एक नियम था, भले फ्रांस में राजा था सत्ता पे गद्दी पे, लेकिन अगर किसी तरीके का चेंजेस करना होता था ना, तो उस चेंजेस के लिए जो 3 स्टेट होते थे फ्रांस में, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है, इन तीनों स्टेट का एक मीटिंग बुलाना पड़ता था जो कि एक पॉलिटिकल बॉडी भी होता था, इसे स्टेट जनरल यानी कि प्रतिनिधि सभा कहते थे। तो प्रतिनिधि सभा का एक मीटिंग बुलाया गया, लुई 16 ने सोचा अब खजाना चाहिए, अब पैसे चाहिए, तो पैसे आएंगे कहां से, तो लुई 16 ने फाइनली क्या किया, टैक्सेशन, टैक्स को और बढ़ाने का सोचा। ऑलरेडी इन थर्ड स्टेट्स के ऊपर में बहुत सारा बर्डन था, और इसके ऊपर में एक्स्ट्रा बर्डन डालने के लिए, या चूंकि खजाना उसे चाहिए था, तो लुई 16 ने क्या करा, टैक्स बढ़ाने का सोचा। तो अब वो टैक्स बढ़ाएगा कैसे, तो उसके लिए उन्हें स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। स्टेट जनरल की मीटिंग में तीनों तबके के लोग पहुंचे, ठीक है, यही होता था एक प्रतिनिधि सभा, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेट से 300 लोग, सेकेंड स्टेट से 300 और थर्ड स्टेट से अराउंड 600 पीपल रीच, ठीक है, 600 लोग पहुंचे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज और बताई थी कि ये जो दो तबका होता था ना, ये राजा के बहुत करीब होता था, क्यों होता था उसे समझिएगा। लुई 16 को खजाना चाहिए था, उसके लिए उसने टैक्स बढ़ाना था, अगर टैक्स बढ़ता तो उसका सीधा असर किस पे पड़ता, थर्ड स्टेट वाले पे, क्योंकि टैक्स उसे ये ही देता था, फर्स्ट और सेकंड वाले को तो टैक्स देना नहीं होता था, ठीक है। तो लुई 16 ने स्टेट जनरल यानी कि प्रतिनिधि सभा के मीटिंग को बुलाया और वहां पे प्रपोजल रखा। प्रपोजल क्या था, ऑब्वियस कि टैक्स को बढ़ाना है, टैक्स को राइज करना है, ठीक है। तो 300 लोग जो फर्स्ट स्टेट से पहुंचे थे उन्हें चेयर में बैठाया गया, एक लाइन से कुर्सी लगा दी गई और बैठाया गया। सेकेंड स्टेट से भी 300 लोग पहुंचे और उनको उनके सामने कुर्सी लगा करके उन्हें भी बैठाया गया। अब ये तकरीबन 600 लोग जो थर्ड स्टेट से पहुंचे थे ना, तो जो फर्स्ट स्टेट वाले थे उनके पीछे 300 को खड़ा कर दिया गया और सेकेंड स्टेट वाले के पीछे भी 300 को खड़ा कर दिया गया, मतलब थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो खड़े थे, ठीक है। अब क्या था, अगर ये 3 में से सिर्फ 2 स्टेट, ठीक है, कोई भी 2 स्टेट राजा की बात का समर्थन कर देता, ठीक है, कि हाँ ठीक है आप जो करना चाहते हैं वो ओके हम समर्थन देते हैं, तो वो चीज पारित हो जाता, मतलब फिर वो एक कानून बन जाता और फिर वो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता, आप समझे। तो ये 2 स्टेट जो था ना, इसे राजा हमेशा अपने हाथों में रखता था कि कभी भी ये 2 स्टेट उसको अपोज ना करे, है ना। किसी भी तरीके का अगर चेंजेस लाना होता था, मीटिंग कॉल हुआ, मीटिंग कॉल में 3 स्टेट पहुंचे, ये 2 ने सीधा उसको सपोर्ट कर दिया, काम हो गया, ठीक है। तो फाइनली क्या था, ये जो फर्स्ट सेकंड स्टेट था वो तो राजी हो गए, उन्होंने कहा ठीक है आपका जो प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ये थर्ड स्टेट राजी नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये राजी हो जाता नहीं तो बर्बाद हो जाता पूरे तरीके से। थर्ड स्टेट राजी नहीं हुआ, थर्ड स्टेट का क्या कहना था, अभी पहले एक चीज और समझिए, ये 300 लोग जो पहुंचे थे ना, तो ये 300 लोगों को मिला करके, मतलब पूरा जो फर्स्ट स्टेट था 300 लोगों का, 300 लोगों की जो प्रतिनिधि सभा थी, उस प्रतिनिधि सभा को सिर्फ एक वोट में कन्वर्ट किया जाता था, मतलब सारे लोग मिलकर के सिर्फ एक वोट डालते थे। उसी तरीके से सेकंड स्टेट के 300 लोग मिलकर सिर्फ एक वोट, और थर्ड स्टेट का भी एक वोट, मतलब 3 ही वोट होता था, 3 में से 2 चाहिए होता था राजा, मतलब राजा के फेवर में। तो थर्ड स्टेट वाले ने क्या किया इस बार, थर्ड स्टेट वाले ने कहा कि 1 स्टेट 1 वोट ये नहीं चलेगा, मतलब कि एक स्टेट है, एक स्टेट से अगर 300 लोग आए तो भी एक ही वोट, और 500 आए तो भी एक ही वोट, तो 1 स्टेट 1 वोट ये नहीं चलेगा, 1 people 1 vote होना चाहिए, मतलब एक आदमी और उसका एक वोट, आप इस तरह से वोटिंग कराइए और उसके बाद देखिए जो जिसके फेवर में चला जाए वो होगा। तो ये बात राजा ने नहीं मानी, क्योंकि राजा को पता था अगर ऐसा होता तो ऑब्वियसली थर्ड स्टेट वाले सारे लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट करते और इसको अपोज कर जाते, क्योंकि ना सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी स्टेट का था, वो करता था,
तो अगर जहां पे वन पीपल वन वोट की बात आ जाती तो ऑब्वियसली कि जो मेजोरिटी है वो बाहर आ जाता, मेजोरिटी मतलब जिसकी संख्या ज्यादा है तो वो जीत जाता, वो थर्ड स्टेट जीत जाता। इसीलिए राजा ने इस प्रपोजल को डिनाई करा, बोला हम नहीं मानते इस चीज को, वन स्टेट वन वोट ही रहेगा। और इनका कहना था कि वन स्टेट वन वोट नहीं, वन पर्सन वन वोट होना चाहिए। फाइनली क्या हुआ, राजा ने जब उसके बात को नहीं माना तो 600 के 600 लोग जो थे वो हॉल जहां पे वो मीटिंग कंडक्ट किया गया था उसको छोड़ करके बाहर निकल गए। ठीक है, मतलब उस मीटिंग का उन्होंने बहिष्कार कर दिया। बाहर निकलने के बाद थर्ड स्टेट ओथ टू परफॉर्म टू फॉर्म एंड लिमिट द पावर। अब वो लोग बाहर निकले और किसी एक जगह पे वो 600 के लोग इकट्ठा हुए और भी बहुत सारे लोग आकर उनके साथ जुड़े। उन्होंने वहां पे कसम खाई कि अब हम लोग इस देश के अंदर एक संविधान लाएंगे। ठीक है, वो संविधान का मेन पर्पस क्या होगा, काम क्या होगा, टू लिमिट द पावर ऑफ किंग। राजा के पास ये जो अनगिनत पावर चला गया है इसे आप समझिए सेंट्रलाइजेशन है ना, किसी एक आदमी के हाथ में ही सारा पावर रहना, तो उस समय सेंट्रलाइजेशन चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, होल्डिंग पावर बाय वन पीपल है ना, किसी एक के पास सारा का सारा ताकत आ जाना। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बस एक ही कसम खाई कि अब हम लोग एक संविधान लाएंगे और ये जो राजा का अल्टीमेट पावर है, ठीक है, उस अल्टीमेट पावर के ऊपर में लगाम लगाना है हम लोगों को। ठीक, उसी बीच क्या हुआ, विंटर है ना, उसी समय विंटर के मंथ में बैड हार्वेस्ट है ना, क्रॉप फेलियर हो गया, अनाज प्रॉपर तरीके से अच्छे से उग नहीं पाया। तो एक तो ऐसे ही यहाँ पे क्राइसिस चल रहा था है ना, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ा, फूड ग्रेन्स का डिमांड बढ़ा, रिच पुअर के बीच में गैप बढ़ा, लेबर्स को सैलरी अच्छी खासी नहीं मिल रही थी, उस समय भी एक फेमिन आया, तो यही सब चीजें जो है वो चल रही थी उस समय। तो बैड विंटर के कारण बैड हार्वेस्ट हुआ। अब जब बैड हार्वेस्ट हुआ तो फिर ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब लोग जो है, जो व्यापारी तबका मतलब बड़े बड़े व्यापारी होते थे, वो माल खरीद खरीद के रख ले रहे हैं और उसको ऊंचे दामों में बेचते थे बाद में। ठीक है, तो इन सब के कारण क्या होने लगा, गुस्सा फूटने लगा लोगों का। लोग तो ब्रेड खरीदने के लिए घंटों लाइन में लगे रहते थे एक दुकान के बाहर, लेकिन वो दुकान वाला ब्रेड को ऊंची ऊंची कीमतों में जो ज्यादा दाम थे उससे बेचा करता था। तो लोगों के अंदर गुस्सा जो है वो पूरे तरीके से भरने लग गया। बैड हार्वेस्ट, हार्वेस्टिंग जो है वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हुई, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ा, फाइनली बाजार लूटे। ठीक है, बाजार जो हुआ करता था, जो दुकानें होती थी उसे लूटा जाना शुरू कर दिया गया। ठीक है, पीपल जो है, लोग जो है अपनी भूख को मिटाने के लिए जो है फाइनली वो काम करने लगे, बाजार लूटा जाना शुरू हो गया। तभी क्या होगा, ट्रूप्स एंटर्ड पैरिस। ये वही समय जब पैरिस में सेना जो है वो अंदर की ओर आई। ठीक है, जो कि एक रिव बना था, जो मैंने आपको पीछे स्टार्टिंग में भी बताया। चलिए, अब क्या होने लगा कि जब ट्रूप सेंटर होने लगी तो फिर बवाल क्रिएट हुआ है, है ना, फॉलिंग ऑफ बैस्टिल हुआ और बहुत सारी चीजें हुई। तो राजा के ऊपर में ना बहुत दबाव बनने लग गया, बहुत प्रेशर बन गया, क्योंकि मैंने आपको बताया थर्ड स्टेट वॉज इन मेजोरिटी, थर्ड स्टेट जो था वो मेजोरिटी में हुआ करता था। चूंकि थर्ड स्टेट वॉज इन मेजोरिटी तो एक अच्छा खासा उन्होंने वहां पे विद्रोह खड़ा कर दिया, तो राजा के ऊपर में बहुत दबाव बनने लगा। फाइनली क्या हुआ, लुई 16 अकॉर्डेड रिकग्निशन टू कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान का जो कॉपी ड्राफ्टिंग जो उन्होंने करी थी थर्ड स्टेट वाले ने, एक समय बीता एक दो साल जो भी लगा, तो थर्ड स्टेट वाले ने जो संविधान को एक ड्राफ्ट करा था, ठीक है, वो ड्राफ्टिंग को, वो जो संविधान तैयार हुआ, राजा ने, जो लुई 16 था, उसने उस संविधान को मान्यता दे दी। ठीक है, अब जो संविधान को मान्यता उसने दी उसके तहत क्या था, उसके तहत अब ये हुआ कि राजा तो रहेगा फ्रांस में, राजा तो रहेगा, लुई 16 रहेगा, मगर अब वो काम करेगा संविधान के अंतर्गत। ठीक है, तो जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कहते हैं। ठीक है, तो राजा रहेगा मगर वो काम करेगा संविधान के अंतर्गत। और फाइनली 4 अगस्त 1789 टैक्स अबॉलिश, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ अबॉलिश एंड टैक्सेस अबॉलिश। तो 4 अगस्त 1789 को, ठीक है, 1789 को टैक्स जो थर्ड स्टेट को सिर्फ पे करना होता था उसे अबॉलिश किया गया। प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जो एचओ अराम इन दोनों को मिलता था, फर्स्ट और सेकंड वाले को, उसे भी खत्म किया गया। और कुछ टिथेस जैसे मैंने आपको बताया था, ये टाइप है ना, एक प्रकार का धार्मिक कर जो रिलीजियस टैक्स होता था, फाइनली उसे भी खत्म किया गया। ठीक है, तो हो ये सारा पार्ट जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारा कुछ क्लियर होगा।
14 जुलाई को जो इंसिडेंट हुआ जहां पे फॉल ऑफ बेस्टाइल हुआ, ये तो खैर आगे से मैंने आपको कोरिलेट करके दिखाया भी, ठीक है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, लुई 16 के बारे में मैंने बताया फ्रांस का समाज कैसा होता था, किस तरीके से फूड ग्रेन्स का डिमांड बढ़ने लग गया, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी जब आबादी बढ़ी थी वहां पे, ठीक है। उभरते मध्यम वर्ग ने, इनका कहना था कि जो प्रिविलेजेस मिला हुआ है फर्स्ट और सेकंड स्टेट को वो नहीं होना चाहिए, जो एबिलिटी है उसको बेसिस बनाया जाना चाहिए, है ना। फिर फ्रांसिस क्रांति की शुरुआत, किस तरीके से फ्रांस में जो है वो क्रांति की शुरुआत हुई थी, मैंने आपको बताया एक लुई 16 की छोटी गलती कि उसे टैक्सेशन को बढ़ाना था, उसने मीटिंग कॉल करी, लोग वहां पहुंचे, फर्स्ट सेकंड स्टेट ने फेवर करा, थर्ड स्टेट ने अपोज करा, थर्ड स्टेट बाहर निकल गए, उन्होंने कसम खाई, संविधान बनाया, ठीक है, और राजा की पावर को फाइनली लिमिट किया और जो प्रिविलेजेस और टैक्सेशन पॉलिसीज चल रही थी उसे फाइनली उसने बंद कर दिया, ठीक है। तो ये जो चीजें थी तो फाइनली ये सारा कुछ ओके। फिर मैंने जहां तक आपको पीछे आपको मैंने बताया किस तरीके से फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, है ना, फ्रांस फाइनली जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनता है, मतलब अब राजा रहेगा लेकिन वो संविधान, मतलब जो संविधान है उसके अंतर्गत तहत काम करेगा। तो फिर भी वो चीजें जो थी वो ठीक नहीं चल रही थी, है ना। तो अब बात करते हैं फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क से रिपब्लिक बनने का सफर, ठीक है। तो पहले जो था वो मोनार्कियल रूप में फ्रांस चल रहा था, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल फॉर्म में आया, अब फाइनली वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मतलब जो संवैधानिक जो मोनार्कियल फॉर्म चल रहा था उससे वो गणतंत्र की तरफ बढ़ा फ्रांस। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, जस्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड समझें। जब लुई 16 जो है फाइनली उसने ड्राफ्टेड जो संविधान जो था जिसके ऊपर उसको मान्यता देनी थी, उसको बनाने की, संविधान को तैयार करने की और जो संविधान के अंतर्गत काम करने की, वो जो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो उसने मान ली थी और संविधान को मान्यता उसने प्रदान करी, फाइनली क्या हुआ, मान तो उसने लिया तो अगर अब वो चीज कंप्लीटली आगे जा करके वो सारा कुछ वैसा हो जाता तो फ्रांस के अगल बगल जो और नेशन थे तो वहां पर भी तो कुछ वैसे ही चल रहा था, क्योंकि उस समय जो है ना बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल वर रूल्ड बाय सम अदर, है ना, या फिर कोई डिनेस्टीज हुआ करती थी जिसके शासन में वो होते थे। पहले के समय में ना ये डिनेस्टी बड़ा चलता था, है ना, और फिर राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो अपने हिसाब से सब चीजों को चलाते थे। फाइनली क्या कि लुई 16 जो है जब उसने ये बात मानी तो अगल बगल के जो लोग थे, लुई 16 ने कौन सी बात मानी थी कि उसने संविधान को मतलब मान लिया कि उसे मतलब इम्प्लीमेंट कराने के लिए, ठीक है, लुई 16 ने जो उसे फाइनली कह दिया कि ठीक है आप उसे ड्राफ्ट करिए और जो कुछ भी होगा फाइनली मान्यता उसे उसने प्रदान करी लुई 16 ने, सॉरी 1791 कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड 1791 फाइनली वो कॉन्स्टिट्यूशन पूरे तरीके से ड्राफ्ट हुआ। पहले उसने मान्यता दी लुई 16 ने कि उसे जो है इम्प्लीमेंट जा सकता है और हम जो भी है उसके अंतर्गत ही काम करेंगे। 1791 में संविधान जो है फाइनली वो ड्राफ्ट होकर के तैयार हुआ, ठीक है। अब फ्रेंच बिकम्स रिपब्लिक, फ्रांस रिपब्लिक कैसे बना, तो जब लुई 16 ने इस चीज को संविधान को मानने की मान्यता दे दी, संविधान को मान्यता दे दी, फाइनली क्या हुआ कि जो अगल बगल के देश थे उनके अंदर में एक भय का माहौल पैदा हो गया, दे बिगिन टू फियर, वो डरने लगे। क्यों डरने लगे, उन्हें लगा अगर फ्रांस के लोगों ने विद्रोह करके वहां के राजा को हटा दिया या वहां के राजा को संविधान के दायरे में ले आए तो शायद कल को मेरे देश में भी ऐसा होने लगेगा, ठीक है। तो वहां अगल बगल आस पड़ोस में जितने भी लोग देश हुआ करते थे, कंट्रीज होती थी, तो वहां के राजा और महाराजा और जो मोनार्कियल फॉर्म होते थे, ठीक है ना, जो सत्ता पे बैठे हुए लोग होते, तो उनके अंदर डर था कि अगर फ्रांस में ये हुआ तो कल को लोग मेरे देश में भी विद्रोह करेंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, लुई 16 सबसे पहले प्रुसिया किंग से मिले, प्रुसिया जो है वहां पहुंचे, तो प्रुसिया जो देश है फाइनली वहां के किंग से मिलने के बाद वो एक अपने ही देश के खिलाफ, फ्रांस के ही खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचने लगे, षड्यंत्र करने लगे। तो लुई 16 और प्रुसिया जो था वो फाइनली मिल करके फ्रांस के ऊपर में जो नेशनल असेंबली क्रिएट हुआ था, जो नया जो थर्ड स्टेट के लोग जो मिले थे एक जगह पे जहां पर उन्होंने कसम खाई थी जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करना था उन लोगों को, तो वो नेशनल असेंबली के नाम से जाना था। तो नेशनल असेंबली जो था फाइनली वो उसे दबा करके और फ्रांस में वापस लुई 16 को उसी फॉर्म में बैठाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन ये बात जैसे ही नेशनल असेंबली को पता चली उन्होंने
प्रुसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ ही वॉर छेड़ दिया। ठीक है, बात को समझेंगे। लुई 16 ने जब संविधान को मान्यता प्रदान की कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म के अंतर्गत सारा काम होगा, तो अगल बगल के जो देश थे उनके अंदर डर बैठ गया कि आज तो फ्रांस में ये हो रहा है, फ्रांस में विद्रोह हो रहा है, कल को मेरे देश में भी होगा। तो फ्रांस में जो विद्रोह कर रहे थे उनको दबाने के लिए, ठीक है, कि उनको अगर दबा देंगे तो मेरे देश में भी ऐसा नहीं होगा, लोग उठेंगे नहीं डर से, तो उनको दबाने के लिए फाइनली जो है वो प्रुसिया और लुई 16 और ऑस्ट्रिया भी, ठीक है, चूंकि ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से उसकी शादी भी हुई, तो वो ऑस्ट्रिया प्रुसिया और ये लुई 16 सब मिल करके वो नेशनल असेंबली पे अटैक करने वाले थे। ठीक है, वो ग्रुप ऑफ पीपल था स्टेट का ना जो विद्रोह कर रहा था, उनके ऊपर हमला करके फाइनली जो है लुई 16 को वापस उसी रूप में सत्ता में बैठा देना चाहते थे जिस रूप में वो पहले था, लेकिन नेशनल असेंबली ने उसी के खिलाफ वॉर छेड़ दिया। लड़ाई चली, लड़ाई लंबी चली। ठीक है, तब पैट्रियटिज्म रोज, लोगों के अंदर देशभक्ति भी पैदा हुई। ठीक है, जितने भी आम लोग थे उसमें से ज्यादातर लोगों ने सेना ज्वाइन कर ली, मतलब एक फॉर्म ऑफ आर्मी है ना, जो लड़ाई में लड़ने के लिए जाता, तो वो लोग आर्मी को ज्वाइन करने लग गए, वो लोग आर्मी में जुड़े और फिर वो लड़ने के लिए भी गए। उसी दौरान जो औरतें घर की हुआ करती थी वो घर का काम संभालती थी, है ना, डोमेस्टिक चार्जेस और इधर उधर, और इवन तो कुछ अर्निंग होल्डर भी बन गई क्योंकि घर के मेल कैंडिडेट जो होते थे वो बाहर होते थे। ठीक है, तो औरतों का भी रोल इसमें काफी था। फ्रांस का राष्ट्रगान, अब चूंकि लोगों में देशभक्ति जगाना था कि जो एक विद्रोह हुआ है कहीं को शांत ना हो जाए, तो देश के लिए प्रेम लोगों में जगाना था, तो तरह तरह की चीजें, जैसे बहुत भारत, जिस समय इंडिया की बात करें अगर, तो भारत में भी ये नेशनलिज्म जो हुआ था, राष्ट्रवाद जो लोगों के अंदर पैदा हुआ था, उसमें बहुत मेहनत करना पड़ा था लोगों का ना, तो उसके लिए भी नेशनल एंथम कंपोज किया गया था, बहुत तरह के इमेजेस का इस्तेमाल किया गया था। तो फ्रांस के अंदर में भी एक सॉन्ग जो कि लोगों के अंदर देशभक्ति जगा था, दैट इज मर्सीलेस, ठीक है, वो बनाया गया बाद में, वो पहले वहां पर उस समय बजाया जाता था जब रैलीज निकलती थी, अगर लोग एक जगह इकट्ठा होते थे, लोगों के अंदर देशभक्ति जगाना होता था, तो इस सॉन्ग को मर्सीलेस को प्लेस करते थे। बाद में ये फ्रांस का राष्ट्रगान बना। ठीक है, फ्रांस का राष्ट्रगान, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, उसका नाम है मर्सीलेस। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मर्सीलेस जो है वो बाद में फ्रांस का संविधान राष्ट्रगान भी बना। ओके, अब क्या हुआ, ऑस्ट्रिया प्रुसिया और जिनके साथ मिला हुआ था लुई 16 जो अपने ही देश के साथ गद्दारी कर रहा, और इधर नेशनल असेंबली और एक वॉर बिगिन हो गया, एक लड़ाई छिड़ गई। ठीक है, अब उसी दौरान कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो कुछ पॉलिटिकल क्लब्स होते थे, है ना, पॉलिटिकल क्लब, जैसे आप एक फॉर एग्जांपल मानिए एक चाय की टेढ़ी पे लोग इकट्ठा हो जाते ना और चार पांच दस लोग खड़े होकर के बस डिस्कशन ये वो ऐसे वैसे, है ना, तो बस उसी तरह का एक पॉलिटिकल क्लब्स होता था जो कि वहां पे बहुत स्प्रेड हो रखा था, फैल रखा था, उसमें वुमेन्स भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो लोग जो अक्सर वहां पे बैठा करते थे और डिस्कशन करते थे गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में, प्लान्स के बारे में, कैसे क्या होगा, उन सब चीजों के बारे में। तो वैसे पॉलिटिकल क्लब में एक सबसे इंपॉर्टेंट होता था जैकोबिन क्लब। ठीक है, जैकोबिन क्लब, तो ये जो जैकोबिन क्लब था ये बड़ा फेमस हुआ करता था उस समय, और बहुत सारी वुमेन थी जिन्होंने जैकोबिन क्लब भी फॉर्म कर रखा था, वो भी वहां पे जुड़ती थी और डिस्कशन होते थे बहुत सारे। तो ये जैकोबिन क्लब को फॉर्म करने वाले शख्स का नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, तो रॉबेस्पियर जो है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि जैकोबिन क्लब जो था इट वॉज अ पॉलिटिकल क्लब। जैकोबिन क्लब जो था वो एक पॉलिटिकल क्लब था। दूसरा, इसको बनाने वाले, इसको फॉर्म करने वाले शख्स का नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो जो रॉबेस्पियर हुआ करता था, ये जैकोबिन क्लब जो था धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा पहले तो। ठीक है, वो जब स्प्रेड होने लगा लोग उससे जुड़ने लगे, बेसिकली छोटे तबके के जो लोग होते थे वो आकर के उनसे जुड़ते थे, वो उसके मेंबर होते थे उस क्लब के। ठीक है, तो पैरिस के अंदर में ना उस समय भी बहुत सारे इश्यूज चल रहा था, भले वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन रखा था फ्रांस, लेकिन वहां पे अभी भी बहुत सारी इश्यूज थी। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम होता था। तो बेसिकली जैकोबिन क्लब से जितने लोग जुड़े हुए थे ना, दे थॉट टू रिवोल्ट फॉर पैरिस, उन्होंने पैरिस के लिए रिवोल्ट करने का सोचा। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने वो रिवोल्ट करा भी, विद्रोह करा भी, वो इंटर भी हुए, वो गए भी,
और फाइनली दे स्टॉर्म ट्यूलरिड बेस्टाइन, जो एक किला ट्यूलरिड किला होता था, उन्होंने उसको भी वहां पे ध्वस्त कर दिया, पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, जब डिस्ट्रॉय किया तो किंग जो हुआ था उस समय का जो किंग था वो उनकी पकड़ में आ गया, जिसको उन्होंने जेल में डाल दिया। बाद में उसके ऊपर केस चला और लुई 16 को अल्टीमेट जो है वो हैंग है ना, उसे फांसी पर लटका दिया गया इन चार्ज ऑफ ट्रेजन। ठीक है, ट्रेजन का मतलब सिंपली देशद्रोह, क्योंकि उसने देश के खिलाफ गद्दारी करी थी, वो क्रूसिया के किंग से मिल गया और अपने देश पे हमला करवाने वाला था, तो वो देशद्रोह का चार्ज उस पे लगा और लुई 16 को फाइनली जो है वो फांसी पर लटका दिया गया। ठीक, अब लुई 16 हट गया। जैसे ही लुई 16 हटा, एक न्यू असेंबली फॉर्म हुआ, इलेक्शन हुए, तो जो न्यू असेंबली फॉर्म हुआ उसको कन्वेंशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये कन्वेंशन जो था, पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इलेक्टेड, ठीक है, वो लोग जो इलेक्टेड हुए थे, तो ये कन्वेंशन जो है न्यू असेंबली के, न्यू असेंबली का एक नया नाम कन्वेंशन था, 21 सितंबर 1792 को फाइनली फ्रांस जो है वो रिपब्लिक बन करके उभरा। ठीक है, फ्रांस एक गणतंत्र बन गया। लेट मी रिकॉल, 1791 कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, लुई 16 ने मान्यता दे रखी थी, मान्यता दी थी। ठीक है, अब जो अगल बगल के देश थे उनके अंदर डर क्या था कि अगर फ्रांस में जो विद्रोह हो रहा है कल को मेरे अंदर भी होगा। लुई 16 क्रूसिया के साथ मिला, ऑस्ट्रिया को भी साथ मिला और फाइनली वो खुद के देश में हमला कराने का सोचा। उसी बीच क्या हुआ, नेशनल असेंबली ने अटैक करा, नेशनल असेंबली ने अटैक करा, लोग जुड़े उसके साथ। ठीक है, एक वॉर ब्रिगेड हुआ, फीमेल्स जो है उन्होंने घर को संभाला। ठीक है, उसी तरीके से लोगों के अंदर पैट्रियटिज्म, देशभक्ति पैदा करने के लिए राष्ट्रगीत भी बनाया गया। बाद में वो राष्ट्रगीत बना, पहले ये बस एक सॉन्ग हुआ करता था जिसे जो लोगों के अंदर देशभक्ति पैदा करता था, दैट वाज मर्सीलेस। ठीक है, फिर पीपल पॉलिटिकल क्लब्स में भी गैदर होने लगे। उसके बाद उन्होंने फाइनली रिवॉल्ट भी करा पेरिस के अंदर जाकर के, ट्यूलरिड जो बेस्टाइल हुआ था, जो किला था उसको भी उन्होंने ध्वस्त करा और फाइनली लुई 16 को भी पकड़ा। वो उधर उन्होंने वॉर जो अगेंस्ट में अगेंस्ट क्रूसिया और ऑस्ट्रिया चल रहा था उसको भी डिफीट करा, किंग को भी अरेस्ट करा एंड फाइनली जो है वो किंग को उन्होंने फांसी पे लटकाया। ठीक है, और इसके बाद जो है फाइनली लोगों के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, न्यू असेंबली जो था जो बना, पहले जो नेशनल असेंबली था उसका एक नया रूप जिसे हम लोग कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, वो फॉर्म हुआ और इस तरीके से फ्रांस जो है वो एक गणतंत्र बन करके निकला। ठीक है, फ्रांस जो है वो एक रिपब्लिक बन गया। अब रीजन ऑफ टेरर 93-94, ठीक है, आतंक का राज। जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, वो शख्स जिसने जैकोबिन क्लब को फॉर्म किया था आपको मैंने बताया, तो जब ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जब फ्रांस गणतंत्र बना, उसके ठीक एक साल बाद 1792 में ये गणतंत्र बना, 93 और 94, ये जो ड्यूरेशन था 93-94, ये वो टाइम था जो रीजन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता था, आतंक का राज उसके नाम से। अब ये ऐसा क्यों था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो था ना, वो जो प्लान और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता था, ठीक है, जो वो कानून या जो भी वो चीज लेकर के आता था, लोगों को उस चीज को मानना ही पड़ता था क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूलर था। ठीक है, अब उसने मान लीजिए जैसे कि वहां पे उसने क्या करा था, हर चीज का एक सरकारी रेट फिक्स कर दिया और किसानों को सख्त हिदायत था कि जिस रेट को उसने फिक्स किया अनाज उसी रेट पर बिकना चाहिए। तो कई बार किसानों को घाटा भी होता था, किसान ज्यादा मुनाफा भी नहीं कमा पाते थे। ठीक है, हालांकि स्पेरी ने, रॉबेस्पियर ने अच्छा काम भी करा कुछ, लेकिन वो जो उनका उसका स्ट्रिक्ट नेचर था ना, वही चीज जो है वो खराब था। अब जो भी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के अगेंस्ट जाता या जो भी जैकोबिन क्लब के अगेंस्ट जाता या कुछ कहता या कुछ ऐसा काम करता जो थोड़ा सा या बहुत गलत था, ठीक है, तो ये जो था रॉबेस्पियर, ये बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेता था। अब उस स्ट्रिक्ट एक्शन को आप इस चीज से समझिए कि वो लोगों को गलती साबित हो जाने के बाद ग्लूटन कर देता था। ग्लूटन मतलब क्या होता था, दो लकड़ी का खंभा होता था, उसके बीच में एक लोहे का धारदार एक
एक समझ लीजिए पत्ती लगा होता था ना, बहुत हेवी वेटेड होता था। फाइनली एक शख्स को उस पर नीचे लिटा दिया जाता था और उसको गिरा दिया जाता था और धड़ को बिल्कुल अलग सर से अलग कर दिया था, ठीक है। तो फाइनली जब कुछ ऐसा होता था, कोई उसके अगेंस्ट बोलता या उसकी पॉलिसीज को नहीं मानता या कुछ भी करता ना, तो वो क्या करता था, वो बेसिकली उसको ग्लूटेन ही कर देता था, ठीक है, उसके सिर को धड़ से बिल्कुल अलग कर देता था। तो धीरे 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 ये जो है ना लोगों में खौफ पैदा करने लग गया कि एक छोटी सी गलती और सीधा ग्लूटेन। तो ये वो शक टाइम था जब आतंक फैला हुआ था लोगों के अंदर। बाद में क्या हुआ, अराउंड यही 94 अराउंड में रॉबिस पेरी ही जो था, ठीक है, उसको ही दोषी साबित कर दिया गया, ठीक है, एक कोर्ट की सुनवाई के दौरान वही दोषी साबित हुआ और फाइनली उसे ही ग्लूटेन किया गया, ठीक है। तो ये रीजन ऑफ टेरर जो था फ्रांस में तो बाद में खत्म भी हो गया। वुमेन्स पार्टिसिपेशन की बात कर, मैंने आपको बताया था ये पर्सिया और ऑस्ट्रिया के साथ जब वॉर की बात हुई तो उसके बाद ये वुमेन्स होती थी जो घर को जिसने संभाला, ठीक है, बीच बीच में जो रिवॉर्ड्स होता था उसमें भी फीमेल्स पार्टिसिपेशन होता था। फाइनली जब नेशनल असेंबली ड्राफ्ट करने की बात आई, जब मीटिंग कॉल हुआ, जब इधर उधर ये सारी चीज हो रही थी उसमें भी वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा रहा था, ठीक है। लेकिन शुरू से ही वुमेन्स जो है ना उसके राइट्स को डिनाई किया गया, ठीक है, फीमेल्स की राइट्स को बिल्कुल डिनाई किया गया। अब जब संविधान के देश में आ गया था ना तो भी उसके बावजूद भी दे डिडंट हैव द राइट टू वोट, उनके पास अधिकार नहीं था वोट देने का। तो अब आप ऐसे समझिए कि फाइनली 1946 में, लेकिन एक चीज आपको जान करके थोड़ा आश्चर्य लगेगा कि ये जो 1946 में फीमेल्स का कहना था कि हमें भी वोट देने का अधिकार दिया जाए, हमें भी इक्वल स्टेटस दिया जाए, हमें भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मतलब राजनीति ये सब में उतरने का आने का मौका दिया जाए, इस चक्कर में 200 साल तक और 200 ईयर्स दे फाउट फॉर देयर राइट्स, अपने अधिकारों के लिए ये लोग लड़े। तो औरत जो है, फीमेल्स जो है, बेसिकली इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स दे फाउट फॉर अराउंड 200 ईयर्स, लगभग 200 साल तक इन्होंने लड़ाई लड़ी, तब जाके 1946 में 1946 में दे गॉट द राइट टू वोट, इनको अधिकार मिला वोट देने का, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, अब ये जो एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी की मैं बात कर रहा हूं ये बेसिकली है क्या, कैरेबियन कॉलोनीज, ठीक है, कैरेबियन कॉलोनीज मैड्रिड और सेंट डोमिनिको, ठीक है, यहां पे बेसिकली जो चीनी हुआ करता था, सुगर और बहुत सारी चीजें, कॉटन, सिल्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टीज ऑल्सो, तो ये सब प्लांटेशन जो है और ये सारी चीजें जो है वो वहां पे चलती थी। अभी यूरोपियन कॉन्टिनेंट स्पेशली फ्रांस में जो लोग वो करते थे, दे वांटेड टू गो फार डिस्टेंट प्लेसेस फॉर अर्निंग, है ना, दूर जाकर के अर्निंग करना होती। अब इस कारण से क्या होता था ना, जब दूर चले जाते थे वो, है ना, जब फाइनली दूर चले जाते थे तो जिस जगह वो एरिया में जहां पे वो लोग नहीं रहते थे, जहां उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, वहां पे प्लांटेशन वर्क के लिए लेबर की शॉर्टेज होने लग गई, लेबर्स नहीं मिलते थे, है ना, काम करवाने के लिए। फाइनली क्या हुआ, एक ट्राइपिटी पैक्ट, है ना, एक त्रिकोणीय समझौता होता है ब्रिटेन के बीच में, अफ्रीका के बीच में और फ्रांस के बीच में, ठीक है। तो फ्रांस का दो पोर्ट, दो समुद्री पोर्ट, एक नैंटेस और दूसरा बॉर्डेक्स, नैंटेस और बॉर्डेक्स, ये याद रखिएगा बिकॉज ये बेसिकली मैप में पूछा जाता है ना। तो फ्रांस का दो मेन पोर्ट, मेजर पोर्ट जिसको नैंटेस और बॉर्डेक्स कहते थे, तो वहां से वो लोग जहाज लेकर के निकलते थे अफ्रीका, और वहां से वो लोग क्या करते थे ना, क्योंकि गरीबी और बेरोजगारी वहां बहुत ज्यादा होती थी, तो वहां पर वो लोग लेबर खरीदते थे, उनके हाथों में जंजीरें बांध दी जाती थी, ठीक है, और लेबर खरीद के जंजीरों में जकड़ करके उन्हें जहाज में फूस करके जबरन, ठीक है, और फिर फाइनली वो लाया जाता था और वो प्लांटेशन ऑनर्स को बेच दिया जाता था कि लो अब इससे काम कराओ, तो वो लोग उसे बंधुआ मजदूर बनाते थे और बंधुआ मजदूर बना करके उनसे काम करवाया जाता था। तो ये जो था ना इसको हम लोग स्लेवरी कहते हैं। तो उस समय ये स्लेवरी बड़ा जोर से चला हुआ था, गुलामी करवाई जाती थी, तो ये गुलामी उस समय बहुत जोर से चली हुई थी, ठीक है। तो इसको खत्म करना, तो जब ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक जो फ्रांस था उसको पता चला, मतलब नेशनल असेंबली जो फाइनली कन्वेंशन फॉर्म हुआ था, तो उन्होंने इस पर डिबेट करा, डिस्कशन करा, और फाइनली फ्रांस ने ये डिसाइड करके एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी को फ्रांस के अंदर से खत्म कर दिया।
ठीक है। तो एक समय था जब एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी भी सॉरी स्लेवरी चल रहा था, जिसको बाद में एबॉलिश मतलब खत्म कर दिया गया वहां से भी। ओके, तो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, ये कंप्लीटली सारा कुछ आपने देखा। इसमें एक छोटा सा चीज और क्या होता है कि जो फ्रांस में जो संवैधानिक जो था भी, उसने जो स्लेवरी को खत्म किया था ना, बाद में नेपोलियन बोनापार्ट नाम का एक शख्स जो सत्ता में आकर के बैठा फ्रांस की सत्ता में, ठीक है, उस नेपोलियन बोनापार्ट ने वापस इसे दोबारा शुरू कर दिया था। हालांकि बाद में 1815 बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट भी हारा था, और फिर धीरे धीरे वो चीजें नॉर्मल होती चली गई। तो एक ग्लिम्स और एक समरी एक बार फिर से आपको रिकॉल करूं, कहानी ये थी लुई 16 के, फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई। लुई 16 टैक्सेशन पॉलिसी को राइज करना चाहता था, जिसके अगेंस्ट में थर्ड स्टेट थे। फाइनली वो थर्ड स्टेट जो है ओथ लेते हैं, संविधान को तैयार करने की बात करते हैं, क्योंकि जो लुई 16 का कहना था वो उसे मानने को तैयार नहीं थे। फिर लुई 16 उस संविधान को मान्यता देता है, बाद में संविधान ड्राफ्ट होता है, संविधान बनता है, ठीक है। लेकिन लुई 16 जो है वो नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, उसका पावर छीने, अड़ोस पड़ोस के देशों के साथ मिलकर के भी उसने कॉन्स्पिरेसी रची, बाद में युद्ध हुआ, फाइनली लुई 16 को भी हैंग किया गया, फ्रांस एक रिपब्लिक बना, ठीक है। और इस तरीके से करके ओवरऑल दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर, ये था चैप्टर के बारे में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। मैंने बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा, वो आप ऐसे ही समझिएगा सर मैं आपसे जो कह रहा हूं। सबसे पहला एक चीज है जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कंसीडर करते हैं, ये जो आतंक का राज है, ठीक है, इस पे एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको अगर लिखनी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमिलियन रॉबेसपियर जो था वो बहुत प्रिंसिपल्स का कड़ा हुआ करता था, है ना। तो वो ऐसे ऐसे काम उसने करे थे, न्यूटन कर देता था ना, कि एक आतंक का राज बन गया था उस समय लोगों के अंदर, बाद में तो उसे खत्म किया गया, ठीक है। अब ये फ्रांसीसी विद्रोह जो हुआ था, ठीक है, उसका मुख्य कारण क्या था, तो वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर किस तरीके से फ्रांस एक गणतंत्र बना, वही सिमिलर क्वेश्चन है ट्विस्टेड, फ्रांस गणतंत्र किस तरीके से बना, फ्रांसीसी समाज जो है वो कैसा था, ठीक है, वो गया। और फाइनली कुछ चैप्टर जैसे जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे, थर्ड, तो जब ये स्लेवरी को खत्म किया सॉरी टैक्सेशन पॉलिसी को खत्म किया गया था, है ना, जब लुई 16 ने फाइनली वो संविधान को मान्यता दी थी और जो टैक्सेशन पॉलिसी जो चल रही थी उसको खत्म किया गया था, तो फाइनली लुई 16 जो था कौन सा तबका था जिसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला, तो जो टैक्स का बर्डन था जब वो खत्म हुआ तो थर्ड स्टेट वाले को बहुत सारी बेनिफिट्स मिली ओवरऑल। अब आपने एनसीईआरटी की बुक्स में जाकर के क्वेश्चन को चेक करिएगा, जैसे आप क्वेश्चन रीड करेंगे डेफिनेटली ये इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी व्हाटएवर जो भी मैंने आपको भी समझाया आपको सारा कुछ उसमें से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो रीड इट वंस ट्वाइस, जितनी बार आप सुन सके, तो फिर ये इसे अपने माइंड में इंट्रोड्यूस कीजिए, क्वेश्चन को देखिए, एवरीथिंग विल गेट क्लियर, ठीक है। वी शुड मीट अगेन, हैव अ गुड डे।